तो फ्रेंड्स वेलकम टू सॉर्ड इंडिया। दोस्तों पिछले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि बेसिस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे एसिडिटी क्या होती है या हाइड्रोक्सिसिटी ऑफ बेसिस क्या होती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समझा था कि बेसिस वो होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है जो प्रोड्यूस करते हैं, जिन भी बेसिस का कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है और वो एक लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, और जिन में भी कंप्लीट नहीं पार्शियल डिसोसिएशन होता है हाइड्रोक्साइड आयन का उनको हम बोलते हैं वीक बेसिस। ओके, अब कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है उसी को हम बेसिस की एसिडिटी या हाइड्रोक्सिसिटी बोलते हैं। यानी हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस्ड बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, अपने एक्वस सॉल्यूशन में किसी भी बेस का एक मॉलिक्यूल जितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है आफ्टर कंप्लीट डिसोसिएशन, उसमें जो आयोनाइजेशन हुआ है वो कंप्लीट हुआ है, डिसोसिएशन ऑफ द बेस, अपने कंप्लीट आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन होने के बाद वो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है उसको ही बोलते हैं उसकी एसिडिटी या हाइड्रोक्सिसिटी ऑफ द बेस। ओके, तो ये होगी हाइड्रोक्सिसिटी ऑफ द बेस, कि बेस की हाइड्रोक्सिसिटी क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ द बेस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन आफ्टर कंप्लीट डिसोसिएशन, यानी कंप्लीट डिसोसिएशन होने के बाद किसी भी बेस का एक मॉलिक्यूल जितने हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस कर रहा है उसको उसकी एसिडिटी या हाइड्रोक्सिसिटी कहा जाता है एक पर्टिकुलर बेस की। इसके बाद हम समझते हैं कि जैसे अब कितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर पा रहा है बेस, उसके आधार पे बेसिस को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। वो कैटेगरी कौन सी है? फर्स्ट कैटेगरी है मोनो एसिडिक बेसिस। ओके, तो मोनो से आप समझते हैं, मोनो का मतलब तो होता है वन, तो अगर एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ ओनली वन हाइड्रोक्साइड आयन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, उसको हम मोनो एसिडिक बेस के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए जैसे ये एक हाइड्रोक्साइड आयन है, ये एक बेस है और इसमें डिसोसिएशन जब होगा तो हमको मिलता है कुछ इस तरीके से, एक हाइड्रोक्साइड आयन हमें यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ पे हमको एक हाइड्रोक्साइड आयन मिला है तो ये हो गया मोनो एसिडिक बेस। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आप लिख लीजिए, मैं भी लिख रहा हूँ, NaOH या KOH या अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं आप, NH4OH, बहुत सारे और अदर एग्जांपल्स हैं वो भी आप लिख सकते हैं। इसको आप जैसे देख लीजिए NaOH के केस में ही देख लीजिए, NaOH के केस में क्या होगा, हमको मिलेगा Na पॉजिटिव एंड साथ में मिलेगा हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, तो एक हाइड्रोक्साइड आयन हमको मिल रहा है, तो ये हो गया मोनो एसिडिक बेस। इसके बाद नंबर टू हमारा रहेगा डाई एसिडिक बेसिस होंगे जिसमें दो हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं, उनको डाई एसिडिक बेसिस बोलेंगे। ओके, डाई एसिडिक बेसिस वो होंगे जिनमें दो हाइड्रोक्साइड आयन बन रहे हैं, इसको ऐसे समझते हैं BOH होल ट्वाइस, और जब इसका डिसोसिएशन होता है तो आपको हमको मिलता है B2 पॉजिटिव, साथ में हमको मिलता है 2OH नेगेटिव, तो यहाँ आप देख रहे हैं दो हाइड्रोक्साइड आयन मिले हैं, ये हो गया डाई एसिडिक बेसिस। के एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एग्जांपल कौन कौन से आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डेट इज CaOH होल ट्वाइस, और साथ में आप एक और है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgHCl
OH होल ट्वाइस, और भी बहुत सारे हैं मगर दो हमने आपके लिए लिख दिए हैं, ठीक है। तो डाई एसिडिक बेसिस क्या हुआ, जिसमें दो हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहे हैं। ऐसे ही अब थर्ड है ट्राई एसिडिक बेसिस, ट्राई एसिडिक बेसिस, और ट्राई से आप समझिएगा ट्राई का मतलब क्या है, इसमें तीन हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहे हैं, जिसमें तीन हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे उसको ट्राई एसिडिक बेसिस कहेंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ बी ओ एच होल थ्राइस, और जब ये डिसोसिएट होगा तो हमको मिलेगा बी थ्री पॉजिटिव प्लस थ्री ओ एच नेगेटिव। तो यहाँ हमें तीन हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहे हैं, ये हो गया ट्राई एसिडिक बेसिस, जिसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ए एल ओ एच होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ओके दोस्तों, हमने समझ लिया क्या होती है एसिडिटी और हाइड्रोक्सिसिटी ऑफ द बेस। एसिडिटी एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, एसिडिटी होती है नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन आफ्टर कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीटली डिसोसिएशन होने के बाद एक्वस सॉल्यूशन में किसी भी बेस का एक मॉलिक्यूल जितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है उसको उसकी एसिडिटी या हाइड्रोक्सिसिटी के नाम से जाना जाता है। नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करने के आधार पे ऐसे बेसिस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी है मोनो एसिडिक बेसिस। मोनो एसिडिक बेसिस वो होते हैं जिनमें एक हाइड्रोक्साइड आयन ही होता है, जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल बी ओ एच, अगर हम एक बेसिक इक्वेशन बनाएं तो यहाँ पर देखिए एक बी पॉजिटिव आयन मिलेगा और साथ में एक हाइड्रोक्साइड आयन ओ एच नेगेटिव मिल रहा है। जैसे और ये कौन कौन से होते हैं, एन ए ओ एच, के ओ एच, एन एच फोर ओ एच, ये सब मोनो एसिडिक बेसिस हैं। इसके बाद आता है डाई एसिडिक बेसिस। डाई एसिडिक बेसिस में दो हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं, जैसे बी ओ एच होल ट्वाइस, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दो हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है, जैसे कि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सब डाई एसिडिक बेसिस में दो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ऐसे ही है फिर ट्राई एसिडिक बेसिस में तीन हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए बी ओ एच होल थ्राइस, और यहाँ पे तीन हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहे हैं। एग्जाम्पल है इसका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो डिसोसिएट होने के बाद तीन हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में, इसका एक मॉलिक्यूल। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर कोई वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।